तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। बताओ आ रही है सभी के, सभी के पास आवाज आ रही है? ओके चलिए, जिनको भी पूछना होगा कुछ भी तो आप मुझे चैट बॉक्स में ही बताएंगे, ठीक है? जो अभी आ रहे हैं उनको बता देता हूँ। और कल का क्वेश्चन कोई पूछ रहा था कि कल का बताइएगा सर करके, तो चलिए बता देता हूँ कल का जो क्वेश्चन था। कौन कौन सा क्वेश्चन था? एक हमारे पास में जीरोस निकालने के लिए था, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बोल दिया था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना करके इक्वल टू जीरो, मतलब इसका हमें जीरोस निकालना है। इसका जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और इससे जो भी वैल्यू निकलती है वही उसका जीरोस होगा, ठीक है? इसमें जो भी वैल्यू निकलेगी वही उसका जीरो होगा। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फैक्टराइज करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब देखिए एक्स कॉमन निकालिए यहां से, देखिए इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब हम इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इन दोनों में एक्स कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, x प्लस टू बचा, माइनस वन कॉमन निकल गया इन दोनों में, और क्या बचा, x प्लस टू बचा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसके बाद में अब देखिए इक्वेशन में क्या कॉमन है, x प्लस टू कॉमन है, x प्लस टू कॉमन निकल गया, और क्या बचा, x और माइनस वन बचा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्लियर है? अब देखिए इसमें x प्लस टू को जीरो होना पड़ेगा या फिर एक्स माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा। अगर कोई भी दोनों में से एक जीरो है तो ये जो इक्वेशन है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है कि जो भी वैल्यू निकलती है वही उसका जीरो होगा। जैसे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है? इसका साइड चेंज कर दिए प्लस टू का, तो राइट साइड जाके माइनस टू हो गया, ये इसका एक जीरो हो गया। और दूसरी चीज यहाँ एक्स माइनस वन है, तो माइनस वन साइड चेंज होके प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका एक जीरो हो गया। इट मीन्स क्या मिला हमें, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस मिले, क्या क्या है वो, माइनस टू एंड वन, क्लियर है? कौन पूछ रहा था इसको? ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन था, के लिए
अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? यस सर। यस सर। तोयब खान, साहिल खान, मुस्कान अवस्थी, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, देखिए हमें इसका जीरोस निकालना है, 2x माइनस 3 का जीरोस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो निकालेंगे रखेंगे, उसके बाद में यहां से माइनस 3 का साइड चेंज करिए, 2x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा, तो ये इसका जीरोस हो गया। ठीक है, ये होमवर्क दिया था मैंने, और कौन सा होमवर्क दिया था, सॉल्व किए? हो गया, देखिए आगे बढ़ते हैं, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है आज हमारा टॉपिक है हमारा रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन हमारा टॉपिक है आज का। इसमें रेशनल फंक्शन क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर कोई दो हमारे पास में पॉलिनोमियल है पी एक्स और क्यू एक्स, टू बी पॉलिनोमियल्स, देन द फंक्शन ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू, अगर इस टाइप में रहे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, आप रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, 5 अपॉन 7, 7 अपॉन 8, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं जो डिवाइड के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वैसे ही रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें दो फंक्शन को डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं या फिर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि पी एक्स जगह पे रख देते हैं x square plus 2x plus 1 हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, दूसरा पॉलिनोमियल x square minus 3x plus 2 हो गया। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल हो गए, अगर इसको px और qx के फॉर्म में रखें डिवाइड के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल फंक्शन हो जाएगा, इसको हम rx से डिनोट करते हैं, ये जो है न्यूमरेटर है और ये जो नीचे की वैल्यू होगी डिनोमिनेटर। अब देखें इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन वेयर qx not equal to 0, ठीक है, अब qx को not equal to 0 कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, नीचे की वैल्यू अगर 0 हो गई, यहाँ पे कुछ भी मिले, जैसे 5 मिल गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जैसा कोई नंबर होता नहीं है, हम उसको सिर्फ एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते, नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, आर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन बी अ रेशनल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक रेशनल फंक्शन बन गया, हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, इसको मिला के जो बना हुआ फंक्शन वो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है डिवाइड में नहीं रहता कभी भी, लेकिन पॉलिनोमियल दो पॉलिनोमियल को बना के हम एक फंक्शन बना सकते हैं, तो ये फंक्शन कहलाएगा, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल का एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए अब x इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब कि r 0 हो जाएगा, तो जहां जहां x है वो 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो r 0 में क्या मिला, माइनस 1 मिला। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे डोमेन क्या होता है, द डोमेन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब हमारे पास जितने भी नंबर है उन सब का जो कलेक्शन होता है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं, जैसे कि 5 डिवाइड बाई 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 10 हो गया, मतलब कुछ भी नंबर हमारे पास में है, डेसिमल भी है 133, 1.33, ये सभी हमारे पास में रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं जितने भी नंबर है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जाता है कि द डोमेन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैन बी यूज फॉर द वेरिएबल, जो हम लोग x लिखे थे उसको हम वेरिएबल कहते हैं, किसी भी जैसे हमारे पास कुछ भी चीज वेरिएबल कब कहते हैं, जैसे हम x को वेरिएबल कब कहते हैं, जब इसका मान समय के साथ बदल जाए, जैसे हम इसको x की जगह पे कभी 0 रख देते हैं, कभी 1 रख देते हैं, कभी 5 रख देते हैं, कभी 10 रख देते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 10, इसका वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, हमेशा 10 ही रहेगा,
ये 10 से कभी 11 नहीं हो सकता, तो जिसका मान फिक्स है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को या फिर ऐसी वैल्यू को हम कॉन्स्टेंट कहते हैं, कॉन्स्टेंट। इसलिए जो हम कल पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन में, इसमें या फिर 10 लिखा हुआ है, तो इस 10 को हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते थे या फिर इसको कॉन्स्टेंट कोफिशियंट कहते थे, ठीक है। तो जिसका मान हम चेंज नहीं कर सकते उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं, और जिसका मान चेंज हो जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना जी, कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्लियर है सभी को? रिप्लाई नहीं आ रहा है, ओके देखिए आगे। सो द यहाँ पे हो गया वेरिएबल यूज करना है, ठीक है, वेरिएबल एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद में सो द डोमेन ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन मस्ट बी एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना है ना ही इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड द वैल्यूज दैट मेक द डिनोमिनेटर क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखें, इसमें टोटल क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन है, देखो इसमें इसकी बात की गई है, डिनोमिनेटर को हमें जीरो के बराबर रखना है, मतलब क्यू एक्स को जीरो के बराबर रखना है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो अब उस डोमेन में कौन सा सेट नहीं रहेगा, कौन सा वैल्यू नहीं रहेगा, जो वैल्यू निकलने वाला है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो से जो वैल्यू निकलेगा, जैसे कि एक्स इक्वल टू वन निकल गया, इससे डिनोमिनेटर को पहले तो जीरो के बराबर रखना है, अब जीरो के बराबर रखने के बाद में जो भी वैल्यू निकलता है वो डोमेन में नहीं रहेगा, बाकी सारे वैल्यू रहेंगे, जैसे रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, हम डोमेन में वो सब नंबर नहीं रखेंगे जिसमें इसमें वैल्यू निकलेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू निकलेगा, मतलब कि माइनस वन को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। रियल नंबर से, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, तो रियल नंबर से वन को हटा देने पर जितना भी वैल्यू बचेगा वही उसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेन निकालने की एक विधि है, फाइंड द डोमेन ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन। स्टेप वन है राइट द डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है, राइट द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर रहता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, एंड सॉल्व इट फॉर द वेरिएबल, हम इस वेरिएबल एक्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगा उसको क्या बोला गया, देखो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द वैल्यूज फाउंड इन स्टेप वन, मतलब स्टेप वन में x इक्वल टू जो भी वैल्यू निकलने वाला है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब उसको उस सेट में उस ग्रुप में नहीं रखेंगे, तब जितना भी नंबर बचेगा, जितना भी वैल्यू बचेगा वो सभी डोमेन कहलाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आगे। देखिए राइट द डोमेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो राइट द डिनोमिनेटर, फर्स्ट स्टेप हमारा ये ऐसी था कि राइट द डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू जीरो लिखेंगे, तो इक्वल टू जीरो लिख दिए, इसको 2x माइनस 3 को 2x प्लस 3 को इक्वल टू जीरो कह दिए। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, x इक्वल टू मिला हमें माइनस 3 बाई 2। अब क्या बोला गया है, द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 मस्ट बी एक्सक्लूडेड, मतलब हटा देना है इस नंबर को, ठीक है, फ्रॉम द डोमेन, डोमेन में ये नंबर छोड़ के पूरा का पूरा रियल नंबर रहेगा। तो देखिए डोमेन अगर x है तो x से हमें किसे हटा देना है, माइनस 3 बाई 2, इसलिए x को नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 किया गया है, और x क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, बाकी हम इसको इस ऐसा भी लिख सकते हैं, r रियल नंबर माइनस माइनस 3 बाई 2 करके, इस प्रकार इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है और माइनस करके माइनस 3 बाई 2 करके, ठीक है, क्लियर है। और देखिए एग्जांपल एक और देख लेते हैं, फिर आपको दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, बी द रेशनल एक्सप्रेशन, फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन। तो देखिए स्टेप वन क्या है हमारा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करना है, तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू जीरो कर दिए पहले, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 हो गया। अब इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, तो अच्छा यहाँ पे कुछ और तरीके से सॉल्व किया गया है, देखो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x स्क्वायर मिलेगा,
अब इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उसका मल्टीप्लीकेशन 10x इसको मिले। तो देखिए 10x माइनस 10x और माइनस x करते हैं तो माइनस 10x इंटू माइनस x मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस में 10x स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 2 का x कॉमन है दोनों में, 2x कॉमन निकालिए। उसके बाद में इसमें क्या बचेगा, x बच गया और इसमें 2x कॉमन निकल गया तो सिर्फ 5 बचा। उसके बाद में यहां से हम माइनस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ये x जो है प्लस में जाएगा अंदर में और ये जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस फाइव इन दोनों में कॉमन है तो उसको भी कॉमन निकालिए तो क्या बचा, 2x बचा माइनस 1 बचा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2x माइनस 1 आ गया। अब इन इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू निकलता है x का उसको निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 1/2 निकलेगा इस वाली इक्वेशन से, इस वाली वैल्यू से, और इसमें से क्या निकलेगा, 5 निकलने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू दो वैल्यू मिले हमें, 1/2 और 5 मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया गया है, हमें फाइंड इट्स डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर से हम इन दोनों वैल्यू को हटा देंगे, मतलब 1/2 माइनस 1/2 और 5 को। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे रियल नंबर लिखना है, आर से डिनोट करना है इसको, माइनस 1/2 और 5 हट जाएगा डोमेन से। क्लियर है, ये हमारा आंसर रहेगा, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना था। आ रहा है सभी को समझ में, चैट बॉक्स बताओ तीरथ निषाद, हाँ बोलो और बताना है, भूपेश ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, जो डिनोमिनेटर है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं अलग से, जैसे हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और नीचे क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, ये हमारे पास में कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, डोमेन निकालने के लिए, हमें डोमेन निकालने के लिए न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे। डिनोमिनेटर से इसको हम इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करेंगे, तो इसको पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक x प्लस 1 इक्वल टू जीरो मिलेगा और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो इससे हमें क्या मिला, x इक्वल टू माइनस 1 मिला, साइड चेंज किए तो, और यहां से x इक्वल टू प्लस 1 मिला। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द इज गिवन फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन आपके पास दिया रहेगा, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर मैं कह रहा हूं, रियल नंबर क्या है, पूरा का पूरा नंबर है, जितना भी हमारे पास नंबर है उसका कलेक्शन है। तो रियल नंबर से ऐसे नंबर को हटाना है जो x का जो वैल्यू निकला है उस नंबर को हटा देना है। तो x में क्या निकला, एक माइनस 1 मिला और एक प्लस 1 मिला, उसको हम हटा देंगे। तो मतलब माइनस माइनस 1 और प्लस 1, माइनस जब भी लगाते हैं तो इसका मतलब ये है हम इन दोनों को हटा रहे हैं इस सेट से, इस ग्रुप से। ठीक है, इस रियल नंबर के ग्रुप से इन दोनों को हटा रहे हैं, तो बाकी जितना भी नंबर बचेगा इस रियल नंबर में वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। अब पूरे रियल नंबर को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर में इतने सारे नंबर रहते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा, 3/2 होगा, इसके बीच में 1/2 होगा, तो इतने सारे नंबर हम हर एक को दिखा नहीं सकते, तो हम पूरे नंबर को रियल नंबर इस आर के बराबर लिख देंगे। अब आर में पूरा का पूरा नंबर आ गया है, उन दोनों में किसको किसको हटाना है, उस आर में इन दोनों वैल्यू को हटाना है, एक 1 को और एक माइनस 1 को, तो माइनस लिख देंगे और उसको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे 1 और माइनस 1 को।
तो ये जो आएगा आंसर वही उसी को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है, ये हमारा डोमेन कहलाएगा। जो वैल्यू निकलेगा उसको हटा के, उसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको हटा के जितना भी वैल्यू बचेगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। और आंसर आपका ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आंसर आपका ऐसे ही लिखाएगा। देखिए आगे, इसको भी अगर समझ नहीं आया होगा तो इसको भी देख लो क्या कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो कहते हैं, उसके बाद में x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 3/2 मिलेगा। अब डोमेन में ऐसे कौन कौन से नंबर रहेंगे, डोमेन में सारे नंबर रहेंगे, रियल नंबर सारे रियल नंबर रहेंगे, बस माइनस 3/2 को छोड़ करके, ठीक है, इस माइनस 3/2 को छोड़ के जितना नंबर बचेगा वो डोमेन में रहेगा, वही डोमेन कहलाएगा हमारा। अभी क्लियर है, और रिपीट करना है, हो गया ना। स्वप्निल अवस्थी हो गया क्लियर, मुस्कान अवस्थी क्लियर है, ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आप लोग बनाइएगा इसका आंसर, मुझे बताइएगा। अच्छा पहले देख लो इसका, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर एन इक्वल टू 10, मतलब कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एन इक्वल टू 3n² - 1/4n + 7, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हम मान लेते हैं इसको एफ एन के बराबर है, तो हमें अब क्या निकालना है, एन इक्वल टू 10 रखना है, तो एन इक्वल टू 10 रखेंगे तो एफ 10 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप बताओ, एफ 10 इक्वल टू क्या निकल रहा है, इसको कल सॉल्व किए थे क्या, हाँ इसको कल सॉल्व किए थे, ये क्या हो गया था, 3 × 10² मतलब कि 100 - 1/4 × 10 + 7, ठीक है। तो देखिए एफ 10 इक्वल टू क्या मिला, 300 - 1/40 + 7, मतलब कि 299/47, ये हमारा आंसर आ गया था कल का, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसमें फाइंड द डोमेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, ऑल्सो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अच्छा सिंप्लीफाई वाला भी नहीं पढ़े क्या, सिंप्लीफाई करने के बता रहा हूं अभी, देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए y³ + 6y² है, पहले एक काम करते हैं इसका डोमेन निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, डोमेन को हम पढ़ चुके हैं, तो फाइंड द डोमेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 3y + 12 को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से हमें y का मान निकालना है, तो y का मान क्या होगा, 3y = -12 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, -12/3, मतलब कि ये कट गया 1 बचा और ये कटने पर 4, ठीक है, तो y = -4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू, डोमेन क्या हो जाएगा, r - -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 को हम हटा देंगे इसमें से, इसलिए यहाँ पे डोमेन क्या मिला हमें, r - -4, ठीक है, बन जाएगा ऐसे। आप लोग इसका डोमेन मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का डोमेन आप निकाल के बताओ, डोमेन क्या क्या निकलेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करो और आप कमेंट बॉक्स में बता देना, चैट बॉक्स में बता देना कि क्या आएगा इसका आंसर। x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इक्वल टू क्या क्या मिला आप लोग को, x इक्वल टू क्या मिला, √81, हाँ x इक्वल टू
रूट 81 या फिर x इज x स्क्वायर इक्वल 9 आ जाएगा सर। अच्छा a मिला है ना यहां पे, a स्क्वायर इक्वल टू 81 आ रहा है, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आप लोग को 9 प्लस माइनस 9 मिलेगा, ठीक है। रूट अगर रूट 81 फिर सर सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे माइनस। हां अच्छा 10 मिनट और बचा है ना, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत। देखिए रूट 81 हो जाएगा और जब रूट से इसको बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस 9 मिलता है, क्योंकि हम अगर माइनस 9 का भी स्क्वायर करते तब भी 81 मिलता है और प्लस 9 का स्क्वायर करते तब भी 81 मिलता है, इसलिए इसमें दो वैल्यू मिले। जितना पावर रहेगा उसका जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना रूट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 9 मिला। अच्छा स्वप्निल आर माइनस के बाद, अच्छा सर आर के बाद माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसको नॉन जीरो कहते हैं। इसको नॉन जीरो लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम इसके निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस 81 है, ए स्क्वायर माइनस 81 है, आप इसको कुछ इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, माइनस नॉट इक्वल टू जीरो करके, ठीक है, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 9 मिल जाएगा, मतलब इन दोनों को छोड़ के, लेकिन स्टेप जो बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जब कर दें सॉल्व तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 9 मिलता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डोमेन का मिल जाएगा, इसका डोमेन इक्वल टू आर माइनस, आर में पूरा का पूरा नंबर आता है मतलब उसमें हर एक नंबर रख सकते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के 9 और माइनस 9 को छोड़ के इस जगह पे हर एक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। सबका 9 आया ना? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखिए हम हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको देखते हैं, जैसे कि ये वाला थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, जो नीचे वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 81 है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 और ए माइनस 9 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ फैक्टराइज कर दें इसको, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस ए माइनस 9 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख दिए इसके इक्वल में क्या मिला डिनोमिनेटर में, ए प्लस 9 और ए माइनस 9। हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 18 ए प्लस 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, 81 ए स्क्वायर मिला। तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उसका मल्टीप्लीकेशन 81 ए स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 9 ए माइनस 9 ए दो पार्ट में डिवाइड कर दिए प्लस 81 आ गया, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, ए माइनस 9 आ गया, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकल जाएगा और ए माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या निकला दोनों में, ए माइनस 9 और ये 9 है 9 और ये ए है, दोनों सेम बन रहे हैं और ए माइनस 9, ठीक है, मतलब कि a माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके इसका भी यहाँ पे क्या मिला, a माइनस 9 और a माइनस 9 मिला, ठीक है, इसकी वैल्यू है ना ये a माइनस 9 a माइनस 9। तो आपको अब देखो जो कट रहा है कटा देते हैं, यहाँ पे ये वाला वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को कटा दिए, ठीक है। तो बचा क्या, a माइनस 9 और a प्लस 9 बचा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और ये सिंपल सा दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो बोला गया था वो हमारा, उसका हमारा आंसर हुआ ये, ठीक है, उसके लिए हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? वंस मोर, और किसी के डाउट है, इसको मैं अलग पेज बता देता हूँ अच्छे से। देखिए ए स्क्वायर माइनस 18 ए प्लस 81, अगर सिंप्लीफाई करने बोला गया है, सिंप्लीफाई अगर कहीं पे कहने बोला गया है तो क्या कहना है, ए स्क्वायर माइनस 18 ए दिया हुआ है प्लस 81 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 81 ये दिया हुआ है,
तो हम क्या करेंगे इसके इक्वल में पहले इसको सॉल्व कर दिया, मतलब फैक्टराइज कर दिया ऊपर वाले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे पहले, तो ए स्क्वायर माइनस नाइन ए माइनस नाइन ए प्लस 81 ये हो गया, और इसका हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए हम 81 क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर हो गया, उसके बाद में इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है ना आपको, ए कॉमन निकल गया तो ए माइनस नाइन, माइनस नाइन कॉमन निकल गया ए माइनस नाइन, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस नाइन हो जाएगा और a माइनस नाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये दोनों कॉमन है तो a माइनस नाइन को इसमें से कॉमन निकालिए और इसमें क्या बचा a माइनस नाइन और बचा a माइनस नाइन, ठीक है, ये वाला a और ये वाला माइनस नाइन बचा, और नीचे क्या है a प्लस नाइन और a माइनस नाइन है, जो इन दोनों में कट रहा है इसमें उसको कटा दो, देखो ये दोनों कट जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों वैल्यू कट जाएंगे तो बचेगा क्या a माइनस नाइन और a प्लस नाइन बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसका ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी क्लियर है सभी को, और एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक है, देखिए आगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं y क्यूब, एक मिनट ना, तो देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8y और नीचे क्या 3y प्लस 12 है, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8y और 3y प्लस 12 ऐसे था ना, y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8y अपॉन 3y प्लस 12। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसमें से न्यूमरेटर से y को कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन निकले उसको कॉमन निकाल लेते हैं तो y कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 बचा, ठीक है, और नीचे क्या बचा इसमें से भी 3 को कॉमन निकाल लेते हैं 3 कॉमन निकल गया और y प्लस 4 बचा। अब देखिए न्यूमरेटर से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये y कॉमन निकल चुका है, अब फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर मिलेगा, तो इसको दो पार्ट में से दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे 8y स्क्वायर मिल जाए, तो y स्क्वायर प्लस क्लास एंड होने के टाइम पे तो आ रहा है एक मिनट, देखो 8y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y प्लस 8 ये हो गया और नीचे 3 इंटू वाई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में तीरथ निषाद कुछ पूछना है आपको, यहां से देखो कॉमन निकाल लेते हैं y कॉमन निकल गया y प्लस 4 हो गया प्लस 2y प्लस 4 हो गया, ठीक है, अपॉन 3 इंटू वाई प्लस 4। तो देखिए y कॉमन निकल गया था, अब इन दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 4 है तो y प्लस 4 कॉमन निकल गया और क्या बचा y प्लस 2 बचा और नीचे क्या है 3 इंटू वाई प्लस 4 है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या y इंटू वाई प्लस 2 अपॉन 3 बच जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ठीक है सर वो 8 कहाँ गया सर, कौन सा 8, यहां से 2 कॉमन निकाले इन दोनों लास्ट में 8y, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाले तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया और यहाँ से सेकंड स्टेप एकदम छोटा हो गया सर, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर क्या, यही पर क्या सर, ये लास्ट में छोटा हो गया था दिखाई नहीं दे रहा था क्या हुआ सर। अच्छा अभी ठीक है ना, प्लस 2y 4 प्लस 4 यस सर, क्लियर है सभी को, यस सर,
एक अभी इंड हो जाए ना, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फैक्टराइज करने वाला कोई क्वेश्चन होगा तो एक आप लोग इसको सॉल्व करोगे। इसमें बस क्या करना है, एन की जगह पे एक बार टू रखना है, एक बार माइनस टू रखना है, ठीक है। और फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप इसको फैक्टराइज करो और इसको सिंप्लीफाई भी करो और